जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के द्वारा बिहार सरकार के माननीय मंत्री सरवन कुमार एवं जयंत राज को अंग वस्त्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया है। माननीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग और बिहार सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, मनरेगा, लोहिया, स्वच्छ बिहार अभियान एवं जीविका की समीक्षा की गई है। बैठक में माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग जयंत राज, माननीय सांसद गिरधारी यादव, माननीय विधायक बेलहर मनोज यादव एवं जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के उपरांत माननीय मंत्री द्वारा बांका जिला अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपोषित कुल 4,74,30,000 की लागत से कुल 42 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। माननीय मंत्री द्वारा 27 आंगनबाड़ी केंद्र, 4 कचरा प्रसंस्करण इकाई, 4 जीविका भवन, 6 खेल मैदान एवं गोवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया है। माननीय मंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में बांका जिला द्वारा 1,299 आवास पूर्ण कर शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2,622 के विरुद्ध 2,561 आवास पूर्ण किया गया है और जो उपलब्ध 97.67% है। बांका जिला बिहार राज्य में प्रथम स्थान पर कायम है। माननीय मंत्री के द्वारा 1,287 जीविका संपोषित स्व सहायता समूह को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 53,80,50,000 का चेक के माध्यम से कर्ज दिया गया है और इसी प्रकार सत्य जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से 2,56,08,000 रुपये जीविका दीदी को हस्तांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी बराहाट को माननीय मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया, साथ में प्रशस्ति पत्र भी दाखिल किया गया है। इस क्रम में ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को भी आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान का उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है और लगभग 4.5 करोड़ की योजना इस पर व्यय होंगे और इसके साथ साथ जीविका की दीदियों को भी आज 53 करोड़ 80 लाख 50 हज़ार की राशि उनको दी गई है। बैंकों के माध्यम से उनको रोजगार करने के लिए विशेष अवसर प्रदान की गई है। इस प्रकार से बांका जिले के लिए आज लोकसभा चुनाव के बाद और गिरधारी यादव जी को चुनाव जीतने के बाद बांका जिला को पहला अवसर मिला कि इतने बड़े पैमाने पर विकास की योजना का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और जितनी योजनाएं इस ज़िले में चल रही है तो राज्य भर में बांका ज़िला किसी में नंबर 2, किसी में नंबर 3, किसी में नंबर 4 पर है। यानी विकास का जो काम है उसमें बांका ज़िला बिहार में पीछे किसी ज़िला से नहीं है, एक दूसरा ज़िला को छोड़कर सब ज़िला से आगे है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है और इसी प्रकार से यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल के काम करते रहे तो निश्चित रूप से बांका जिला सिर्फ नहीं बल्कि बांका जिला के तरह अपना जिला भी प्रगति के रास्ते पर, प्रगति के पथ पर चलेगा। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और तेजी से बिहार बढ़े यही हम लोग की आशा है, उम्मीद है, अपेक्षा है।